शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 12। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 12। तब शमूएल ने सारे इसराइलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है, और अब देखो वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है, और अब मैं बूढ़ा हूं और मेरे बाल उजले हो गए हैं, और मेरे पुत्र तुम्हारे पास है, और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम कर रहा हूं, मैं उपस्थित हूं। इसलिए तुम यहोवा के सामने और उनके अभिषिक्त के सामने मुझ पर साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया, वह किसका गधा ले लिया, वह किस पर अंधेर किया, वह किसको पीसा, वह किसके हाथ से अपनी आंखें बंद करके घूस लिया, बताओ, और मैं वह तुमको फेर दूंगा। वे बोले, तूने न तो हम पर अंधेर किया, न हमें पीसा, और न किसी के हाथ से कुछ लिया। उसने उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी है और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहां कुछ नहीं निकला। वे बोले, हां वह साक्षी है। फिर शमूएल लोगों से कहने लगा, जो मूसा और हारून को ठहराकर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया वह यहोवा ही है, इसलिए अब तुम खड़े रहो और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में जिन्हें उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है तुम्हारे साथ विचार करूंगा। याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे पूर्वजों ने यहोवा की दोहाई दी, तब यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा और उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाला और इस स्थान में बसाया। फिर जब वे अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए तब उसने उन्हें हासोर के सेनापति सिसरा और पलिश्तियों और मोआब के राजा के अधीन कर दिया और वे उनसे लड़े। तब उन्होंने यहोवा की दोहाई देकर कहा, हमने यहोवा को त्याग कर और बाल देवताओं और अश्तोरे देवियों की उपासना करके महापाप किया है, परंतु अब तू हमको हमारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा तो हम तेरी उपासना करेंगे। इसलिए यहोवा ने यरूब्बाल, बदान, इप्तह और शमूएल को भेजकर तुमको तुम्हारे चारों ओर के शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया और तुम निडर रहने लगे। और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था तो भी तुमने मुझसे कहा, नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा न करो और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात न मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिससे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगा और मेह बरसाएगा, तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेह बरसाया और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए और सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाए, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है।
शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिससे न कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही है। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे।